बिहार शरीफ कोर्ट में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष सोनू कुशवाहा ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत, ट्विटर निदेशक मनीष महेश्वरी और मिसेज महिमा कौल के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया है। दर्ज परिवाद में उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनावत के ऊपर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के चुनावी सभा की तस्वीर पर अभद्र टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर जारी करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही ट्विटर निदेशक और ट्विटर कंपनी पर भी परिवाद दर्ज किया गया है। और इन्होंने बताया कि हमारे राष्ट्रीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर बहुत गलत गलत भद्दी भद्दी टिप्पणी किया गया है, जो हमारे कार्यालय में जो है एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया, और ये उन्हीं तथ्यों पर जो है आज परिवाद पत्र माननीय न्यायालय में दायर किए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय उन चारों अभियुक्तों पर जो है संज्ञान लेगी और उन लोगों को कड़ा से कड़ा कार्रवाई। कंगना रनौत और उसके साथ में महेश्वरी इंटरनेशनल, इस तरह करके चार और हैं, सभी मुख्य रूप से जो है कंगना रनौत है, उन्हीं के द्वारा जो है टुकड़े टुकड़े गैंग और बहुत सारी भद्दी भद्दी मतलब शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, जो अभी हम न्यायालय परिसर में नहीं कह सकते हैं। क्या प्रत्येक महेंद्र प्रसाद वर्मा, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट बिहार शिफ्ट, नालंदा। जिला अध्यक्ष सोनू कुशवाहा ने बताया कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत ने बिहार विधानसभा की चुनावी सभा के दौरान लगाई गई तस्वीर पर उन्होंने हमारे नेता की तस्वीर के ऊपर आज़ाद कश्मीर लिखकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। इसी को लेकर ये परिवाद दर्ज कराया गया है। इससे कंगना रनावत जो ईमेल, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से कभी ऋतिक रोशन को, कभी उपेंद्र कुशवाहा को ब्लैकमेल करने का काम करती हैं, ये काम करना भूल जाए और आगे से ऐसा कदम ना उठाएं कंगना रनावत। उपेंद्र कुशवाहा जी को उन्होंने बोला था कि उपेंद्र कुशवाहा जी आज़ाद कश्मीर हैं और हमारे विभिन्न नेताओं को अर्बन नक्सल, कम्युनिस्ट, खालिस्तानी, जिहादी, लुटियन, लिबरल्स करके संबोधित किया था। ऐसे शब्द देशद्रोही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निश्चित रूप से हम लोग ऐसे शब्दों के, कंगना रनावत के इस्तेमाल से एवं ट्विटर अकाउंट के डायरेक्टर से, क्योंकि उन्होंने भी उसके बाद हनी सिंह से, सभी लोगों से हम लोग काफ़ी, उनके क्रियाकलापों से काफ़ी मरमाहत है और उन्हीं लोगों पर मुकदमा किए हैं। 790 सीजीएम कोर्ट में केस किए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।